हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, पहला ट्रिक इस तरह से हमारे टी शर्ट को लेके है या किसी कपड़े को लेके है, तो आपने देखा होगा छोटे मोटे छेद, बहुत ही छोटे मोटे छेद कभी ऐसे हो जाते हैं हमारे कपड़ों में, हमें पता भी नहीं चलता है। फिर वो होल बढ़ता रहता है, धीरे धीरे काफ़ी उसमें स्पेस जगह ले लेता है, तो वो होल बड़ा हो जाता है। तो देखिए, छोटे छेद के लिए है इस तरह से। इस कलर का बिल्कुल नैन पैंट लेना है और उस पर नैन पैंट को लगा देना है। तो इस तरह से नैन पैंट को लगा देंगे तो ये जो छेद दिख रहा है ना, बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल आपका पता नहीं चलेगा, जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का आप नैन पैंट ले लीजिए और उसी कलर का आप लगा देंगे तो आपका ये जो छोटा मोटा छेद के लिए है, इस तरह से छेद बंद हो जाएगा और आपको बिल्कुल ये दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे नैन पैंट लगाया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे कुकर के ढक्कन को लेके है। तो दोस्तों, आपने देखा है कभी हम जैसे कि खाना बनाते हैं, तो आपने देखा है कभी हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो ये हमारा कुकर का ढक्कन क्या है ना, ज़्यादा तरह से ये ख़राब हो जाता है और बहुत ही बुरा लगता है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ कि हमें कपड़ा लेना है कुकर के ढक्कन के बराबर और मुझे बिल्कुल गोल आकार में काट लेना है इसको। बिल्कुल इसी ढक्कन के शेप में ही इसकी मुझे कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसी के ऊपर ढक्कन रख के इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल इसी के बराबर मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद बहुत इजी तरीके से ये कट जाता है। तो चलिए, मैं इसको एक गोल शेप दे देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो बिल्कुल गोल शेप आ जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको कटिंग कर लिया है, गोल शेप आ चुका है और बीच में से मैं इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। मुझे एक छोटा सा छेद करना है। तो देख पा रहे होंगे मैंने छोटा सा कटिंग कर दिया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे छोटा सा छेद हो चुका है, ताकि मैं ये सीटी में इसको पहना के इसको मैं कुकर के ढक्कन में इसको कवर कर सकूँ। तो देखिए, मुझे करना क्या है, इस तरह से मुझे कुकर के ढक्कन के ऊपर कवर कर देंगे तो आप जो भी दाल वगैरह चावल बनाएंगे तो इस तरह से आपके कुकर का ढक्कन ख़राब नहीं होगा, जो भी गिरेगा इस कपड़े पे ही गिरेगा। और आपका कपड़ा ही ख़राब है तो कपड़े को क्या करना है आपको, कि इसको आप खाना बनाने के बाद इसको आप धुल लीजिए और कुकर में ज़्यादा मजाव नहीं लेगा और ढक्कन में भी बिल्कुल मजाव नहीं लेगा, ना ही आपका टाइम बर्बाद होगा। तो देखिए, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस तरह से आप दाल चावल जो भी बनाएंगे बिल्कुल आपका ये कपड़ा ही ख़राब होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारा ये चार्जर को लेके है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम कहीं ज़्यादातर जाते हैं तो हम चार्जर को इसी तरह से ऐसे लपेट लेते हैं, या तो इस तरह लपेट लेते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरह लपेटने के बाद ही हमारा चार्जर इस तरह से बिखर जाता है और ये सारे तार अलग हो जाते हैं। तो देखिए, मैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ कि मुझे इस तरह से नहीं लपेटना है। तो देखिए, मैं एक बार इधर से ले रही हूँ और एक बार इधर से ले रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको कवर करेंगे ना, तो ये देखिए, आप ये लीडिंग ये चार्जर कैसे भी रख देंगे, आपका ये चार्जर बिल्कुल तार बिखरेगा नहीं। कहीं भी आपको ले जाना होगा तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट ले जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने लपेट दिया है और इसको मैंने इसमें फंसा दिया है, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी इसको हिला भी रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इतना हिलाने के बाद तब जाके निकला है। तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। तो दोस्तों, अगली ट्रिक इस तरह से हमारे बॉटल को लेके है। तो इस तरह से बॉटल हम फेंक देते हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए, इस बोतल को आज इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इस बोतल को हम नीचे की जो ये तरली का नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बड़ा बोतल छोटा बोतल आप ले सकते हैं, ज़्यादा छोटा बोतल नहीं, ज़्यादातर तो एक लीटर की बोतल तो होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और मैंने इसमें दो होल कर लिया है। एक चाकू या किसी सुई की हेल्प से आप इस तरह से होल करके और इसमें एक आप डोरी सी इसमें इस तरह से बांध दीजिए, जैसे लटकन से बनाते हैं इस तरह से हम इसमें एक लटकन बना देंगे। तो देखिए, इधर भी धागा डाल के मैंने इसको अटैच कर लिया है और इधर भी। तो देखिए, दोनों तरफ डाल के इस तरह अटैच कर लिया है और इसमें गांठ लगा देंगे अच्छी तरह मजबूती से, ताकि ये खुले ना। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने अटैच कर लिया है और मैंने इसमें गांठ भी लगा दिया है। तो चलिए, मैं इसका रियूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ये, बिल्कुल आपका ये घर में ऑर्गेनाइजर ये बनके कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, आप इसको जहाँ सही लगे वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें क्या हैंग करने वाली हूँ।
अगर आपके किचन में जगह कम है, स्पेस कम है, तो इस तरह से आप देखिए एक बॉटल में आप कितने सारे कंछुल, चमचे, इसमें चाकू वगैरह भी रख सकते हैं, बहुत सारे सामान रख सकते हैं। तो देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है और कहीं ना गिरने का। इस तरह से आप 2 से 3 इस तरह से लगा देंगे तो जितनी भी सामान है ना आपका किचन में, देखिए कंछुल वगैरह बिल्कुल इसमें अटैच हो चुका है और देखने में भी बुरा नहीं लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। कोई नहीं बता सकता है कि बिल्कुल बेकार लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप हमारे इस्त्री से है, मशीन को लेके। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम सिलाई करते हैं तो कभी एक धोखे से हमारे हाथों में चोट लगी जाता है, कभी सुई भी चुभ जाती है, कभी हमें पता भी नहीं चलता है, कभी सुई तो ऐसा हो जाता है सिलते सिलते हमें पता नहीं चलता है हाथों से कि ये सुई कभी आर पार भी हो जाती है, तो ब्लड भी निकलने लगता है और घाव भी लग जाता है, चोट भी लग जाता है। तो देखिए इसके लिए छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ कि हमें लेना है लहसुन, लहसुन के इस तरह से छील लेना है और लहसुन के बीच में से कटिंग कर लेना है। इसको मुझे आधा कट कर लेना है, जहाँ पे आपको चोट लगा है इस तरह से उस पर आप इसको रफ कर लीजिए, तो फिलहाल ब्लड बंद हो जाएगा, आपका ये जो चोट लगा हुआ है फिलहाल के लिए ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों ज़्यादा चोट लगता है तो आप इसे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।